अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर शामी सेज तो रफी रैपिड रिकॉल सीरीज़ की ये लास्ट वीडियो है जिसमें मैं लास्ट टू यूनिट स्पाइनल कॉर्ड एंड जनरल हेल्थ साइंस को डिस्कस करने जा रहा हूँ तो चलें स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर ट्वेंटी थ्री स्पाइनल कॉर्ड एंड जनरल पॉइंट फाइव फोटी वर्टिब्रोकॉलम करवेचर टू द साइड इज़ कॉल्ड स्कोलियोसिस यू मस्ट नो लॉर्डोसिस काइफोसिस एंड स्कोलियोसिस Five fifteen, the adjacent lamina of vertebra are joined together by the ligamentum flavum. Next five sixteen, the feature of C one vertebra it lacks vertebral body. Next five seventeen, transpyloric plane is located at the lower border of L one. is एक important table you जितने भी इसमें वर्टिब्रा के लेवल पूरी रफी की सीरीज़ में या वैसे भी जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्टली इंपॉर्टेंट होते हैं जैसे ये केवल इसोफे गलियोटिक ओपनिंग बाकी ये एल टू लेवल एल फोर एल फाइव की ओपनिंग तो सारे जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं ना ये लैंड मार्क्स ने इधर कंपाइल किया गया है तो ये आप सारा रटाफाई अगर ना भी करें तो ये जितने इंपॉर्टेंट हैं ना बेसिक बेसिक यहाँ यहाँ से आपने अच्छे तरीके से क्रेम कर लेने

ऑर्गन लाइकली डैमेज इज़ स्प्लिन ये अगेन आपको अगर वर्टिब्रा के लेवल का पता होगा तो ये इजीली आप पिक कर लेंगे नेक्स्ट यूनिट 24 फोर विच इज़ द लास्ट यूनिट ऑफ रफीला इसमें बेसिकली बिहेवियर साइंसिस कम्युनिटी मेडिसन और इस किस्म के थोड़े से यूनिट मिक्स किए गए हैं तो थोड़ा सा ये बोरिंग सा यूनिट बन जाता है लेकिन अगर आप इसे एक दो बार थोड़ा थोड़ा रीड दे लेंगे तो बेसिक बेसिक चीज़ों की ना हो आपको हो जाएगी फाइव ट्वेंटी वन द स्टैंडर्ड डेविएशन मई बिच ऑफ द फॉलोइंग दैट इज़ वेरिएंस य पॉजिटिव प्रेडिक्टिव नेगेटिव प्रेडिक्टिव सेंसिटिविटी स्पेसिफिसिटी इसको एक आध बार आपने रीड दे लेना है नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी टू द प्रेवलेंसिज दैट इज ऑल केसेज तो ये प्रेवलेंस और इंसिडेंस का आपको डिफ्रेंसिस इसमें पता होना चाहिए नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी थ्री द डाटा इज कलेक्टिव फ्राम सम क्लिनिकल ट्रायल बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एबसेंस ऑफ वॉमिटिंग बट टाइप ऑफ डाटा इज इज इट इज द नॉमिनल डाटा सो नॉमिनल ऑर्डिनल डाटा ये इसका डिफ्रेंस आपको पता होना चाहिए फाइव ट्वेंटी फोर द डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप एक्टिव लिसनिंग टू एवरी क्वेश्चन ऑफ द पेशेंट नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी फाइव द स्टडी ऑफ पेशेंट विद द डिजीज और विदाउट डिजीज टू आइडेंटीफाई द इज फैक्टर इन डिजीज दट इज द केस कंट्रोल ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप मैं इसमें से एक तो लाजमी आ जाता है डिजीज़ वर्सेस नॉन डिजीज केस कंट्रोल रिस्क वर्सेस डिजीज़ क्रॉस सेक्शनल एक्सपोज वर्सेस नॉन एक्सपोज कोहोर्ट तो ये आपने ना इधर से इसे थोड़ा सा अंडरस्टैंड करके रटाफाई कर लेना है क्योंकि इस से स्टेम से लाजमी एक एम सी क्यों आता है नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी सिक्स को ऑफ टू थिंग्स बाई विच टेस्ट दैट इज़ द स्टूडेंट टी टेस्ट नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी सेवन इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दैट इज मीन मॉड एंड द मीडियन को इनसाइड अगेन ये एक अपने टेबल रीड दे लेना है द बेसिक मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इज द मीडियन शायद लास्ट एग्जाम में रिपीट हुआ था नेक्स्ट फाइव ट्वेंटी एट द अर्ली डायग्नोसिस द ट्रीटमेंट दट इज द सेकेंडरी प्रिवेंशन तो ये प्राइमरी सेकेंडरी टर्शी प्रिवेंशन की आपको नो होनी चाहिए फाइव ट्वेंटी नाइन द थायराइड लिम्फ डेनेज इन टू द डीप सर्वाइकल लिफ नोट फाइव थर्टी अल्सा टू द हाइपर टेंशन इज द मार्टोल ये का मेलनीज अल्सर और स्किन बर्नस का मार्जिलिन अल्सर ये भी इंपॉर्टेंट है फाइव थर्टी वन अर्सन विद ई टी टी हीट लॉस इज़ बाय द वेपोरेशन ये अपने कंसेप्ट इसका ले लेना है कि पर्सन वेन ही इज़ अनकवर्ड वैन द ह्यूमिडिटी इज मैंशन वैन द टेम्परेचर मैं एक्सेट्रा फाइव थर्टी टू हाउ डिफेसिएशन इज डन एट द माइलो स्टेज दैट इज द स्टेनिंग ऑफ द ग्रेन्यूल नेक्स्ट फाइव थर्टी थ्री एडिमा इस ब द लिफेटिक उबस्ट्रक्शन नेक्स्ट फाइव थर्टी फोर इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल मैन इज सफरिंग फ्रॉम द टेस्टिकल कारमा दिफैटिक ड्रेनेज ऑफ टेस्टिस इज इनटू टू द पैरा नोड्स तो ये जितने भी हैं सीलिय सुपिरियर मेजेंट्रिक इन्फीरियर मेजनट्रिक आई लियोटिकोपलीटियनल नोट्स तो ये आपने ना सारे इधर से ही स्टेबल से अच्छे तरीके से क्रैम कर लेने हैं क्योंकि अक्सर एक लिफनोट का आ रहा होता है एम uh, एमसीक्यूज तो ये आपने ना वो इंटरलिंक करके देख लेना है लाइक ये देखेंगे लिवर स्टमक स्पीन अपर ड्यूडनम फिर लोअर ड्यूडनम से आगे तो इस तरह ये एक सीक्वेंस में नीचे तक सप्लाई है तो ये आपने ना को रटाफाई करके निमोनिक बना के कुछ करके ना इसे क्रैम कर लेना है ताकि ये आपका एमसीक्यूज रॉन्ग ना हो अगेन ये नीचे सारी डिफरेंट नी लिम्फेटिक ड्रेनेज की प्रैक्टिस है ये भी आपने लाजमी एक बार पढ़ लेना है

सीरीज पॉइंट्स हैं ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने इन्हें बार बार क्रैम करना है ये जितनी सारी सीरीज़ है वीडियोस की बनाने का मकसद ही ये है कि अगर आपके पास लास्ट में रिवीजन के लिए शॉर्ट टाइम हो तो आप इन वीडियोस को देख के क्विकली आप अपने सारे पॉइंट्स को रिकैप कर सकते हैं क्योंकि लास्ट हमारा जो एग्जाम गस का था उसमें एटलीस्ट ट्वेंटी से थर्टी पॉइंट्स इन्हीं जो पॉइंट्स हैं फाइव फोर्टी सीधे सीधे इनमें से एम सी क्यू आए हुए थे और वो जो पॉइंट्स थे क्योंकि ये हो सकता है कोई ट्वेंटी एटीन ट्वेंटी पास पेपर के कुछ पॉइंट्स हों ठीक है तो वो जो रिसेंट हम एसके सीरीज करते हैं वो अक्सर उसमें मिसिंग होते हैं तो जब आप रफील्ला के पॉइंट्स को बार बार क्रैम करते हैं तो जो पुराने पुराने आपके पास पेपर्स होते हैं ना तीन चार साल पुराने तो वो भी पॉइंट्स ना सारे आपके कवर हो जाते हैं इसलिए रफीला पॉइंट्स तो की टू सक्सेस है इन्हें आपने बार बार रिवाइज़ करना है अगर एंड पे टाइम नहीं बचा तो इन वीडियोज़ को आप बार बार देख सकते हैं ताकि ये पॉइंट्स आपके अच्छे तरीके से क्रैम हो जाए और सब कॉन्शियस लेवल पर भी अगर कुछ ना कुछ नॉलेज आपका रह जाए इन पॉइंट्स का तो वो फिर एम आपका क्लिक कर जाता है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर Uh, such uh, videos till my next video Allah Hafiz